Assalamu alaikum, dear students. We were studying a chapter, acids, bases and salts. This lecture is for class 10th students. Dear students, we already have finished acids and bases, their physical and chemical properties. Today we will start a new topic, that is salts. How salts are formed and how they are formed, my dear students. First of all, you know how salt is formed. हम जानते हैं कि जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ म्यून गोबर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ साल्ट एंड रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं जिगर में एक एग्जांपल मैं दूंगा HCl प्लस NaOH यहां पे बनता है NaCl प्लस H2O NaCl जो है ये साल्ट है सोडियम क्लोराइड बना यहां पे कैसे बना जब एसिड और बेस रिएक्ट हुआ आपस में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ साल्ट लेकिन याद रखिएगा दिस साल्ट जो है इसमें पॉजिटिव Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है जो ये कैटायन है कैटायन कहां से आया कैटायन कम्स फ्रॉम बेस ये Na पॉजिटिव कहां से आया बेस से और एनायन कहां से आया एनायन आया एसिड से तो म्यून गोबर जब एक साल्ट बनता है जो ये इसका कैटायन और एनायन बनता है कैटायन आता है बेस से और एनायन आता है एसिड से आपको दिमाग में रखना है और म्यून गोबर जो आपने देखा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव तो दिस मींस आयनिक बॉन्ड इज प्रेजेंट इन दिम इनमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है क्लोरीन को तो देयर इज ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट ट्रांसफर यू कैन से देयर इज म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव बिटवीन कैटायन एंड एनायन तो इसको हमने आयनिक बॉन्ड बोला है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है समझ आया तो यह मैंने लिखा साल्ट इज ए न्यूट्रल आयनिक कंपाउंड That can be formed by the neutral. ये आपको पता है तो salt जो है ये एक neutral ionic compound है ये because जिस compound में ionic bond बनता है उसको ionic compound NaCl compound है कौन सा compound ionic compound क्यों because इसमें ionic bond present है ये आपको मैंने already पढ़ाया है म्यून गोबर हाँ क्या ionic compound इसको बोलते हैं ionic compound किसको बोलते हैं it is that type of compound in which ionic bond is present जिगर में समझ आया आपको फिर क्या आपको याद रहा कि जब साल्ट बनता है कैटायन आता है बेस से और एनायन आता है एसिड से जिगर में समझ आया इवन Na पॉजिटिव बेस से आया Na पॉजिटिव यहां से आया बेस से और Cl नेगेटिव कहां से आया ये आया एसिड से किसी भी साल्ट में अब याद रखिएगा जब साल्ट बनता है रिएक्ट क्या क्या करता है स्ट्रॉन्ग रिएक्ट क्या करता है एसिड और बेस बनता क्या है साल्ट मैंने लिखा साल्ट इज ए न्यूट्रल आयनिक कंपाउंड ये एक न्यूट्रल आयनिक कंपाउंड होता है जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट्स पे आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट्स देखिए मैं उनको पर कभी स्ट्रांग एसिड होगा कभी वीक एसिड होगा ये मैंने एसिड और बेस बोला साल्ट बनता है अब ये एसिड स्ट्रांग भी हो सकता है वीक भी हो सकता है इसी तरह बेस स्ट्रांग भी हो सकती है वीक भी हो सकती है उसी बेस पे साल्ट का नेचर क्या होगा याद रखिए मैं उनको पर अगर इफ अगर हसा स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस होगी पहली क्लासिफिकेशन अगर स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस होगी जो साल्ट है ना वो उस टाइम न्यूट्रल होगा क्या होगा वो न्यूट्रल होगा फॉर एग्जांपल स्ट्रांग एसिड HCl है NaOH बेस है स्ट्रांग बेस जब ये दो आपस में मिलेंगे ना इस टाइम जो साल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा समझ आई इवन आशाबाश अब दूसरा अगर स्ट्रांग एसिड और वीक बेस होगी समझ आई इवन अगर स्ट्रांग एसिड और वीक बेस होगी स्ट्रांग एसिड HCl है वीक बेस जो है वो है म्यून गोबर NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रांग एसिड है वीक बेस है साल्ट का जो नेचर होगा ना उसका क्या होगा यह है वह एसिडिक कैरेक्टर क्या है अब ये एसिडिक होगा क्यों म्यून गोबर
बिकॉज अब एसिड स्ट्रांग है, बेस वीक है इस टाइम। जब स्ट्रांग एसिड रिएक्ट करेगा स्ट्रांग बेस के साथ, जो साल्ट बनेगा इस टाइम वो एसिडिक होगा। समझ है उनमें उनको पर? तो न्यूट्रल में फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे NaCl बोलोगे, यहाँ पे बनेगा ना NaCl। जब NaCl और NH4 बनेगा इस टाइम आपको पता कौन सा साल्ट बनेगा? NH4Cl साल्ट बनेगा। NH4 इधर NH4Cl प्लस H2O। समझ है उनमें उनको पर? एक और क्लासिफिकेशन है, अगर वीक एसिड और स्ट्रांग हो बेस, अगर वीक एसिड एंड स्ट्रांग बेस होगी बनेगा ना साल्ट, एसिड प्लस बेस साल्ट। साल्ट का क्या होगा? साल्ट म्यून गोबर बेसिक होगा। क्या होगा? बेसिक। फॉर एग्जांपल वीक एसिड है म्यून गोबर, वीक एसिड है CH3COH, इसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं। स्ट्रांग बेस कौन सी है? NaOH। अब जो साल्ट बना, साल्ट यहां पे बनेगा CH3COO Na म्यून गोबर, ये बेसिक होगा। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस जब रिएक्ट करेगा, स्ट्रांग एसिड HCl है, स्ट्रांग बेस NaOH, साल्ट जो बनेगा वो न्यूट्रल होगा जिस तरह NaCl बना। स्ट्रांग एसिड अगर होगा और वीक बेस होगी, स्ट्रांग एसिड HCl है, वीक बेस NH4OH है, तो जो साल्ट बनेगा वो एसिडिक होगा। फॉर एग्जाम्पल NH4Cl है। इसी तरह अगर वीक एसिड और स्ट्रांग बेस होगा, वीक एसिड CH3COH है, स्ट्रांग बेस NaOH, जो साल्ट बना CH3CO ने वो बेसिक है। जिगर में समझ है इवन। अब अगर म्यून गोबर वीक एसिड और वीक बेस होगा, जो साल्ट है ना साल्ट, इट मे बी एसिडिक और बेसिक। ये एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वीक एसिड है CH3COH, समझ है इवन। वीक एसिड है CH3CO, एसिटिक एसिड इसको बोलते हैं। वीक बेस जो है वो है NH4OH। यहां पे जो साल्ट बनेगा म्यून ग्रुप वो है CH3COONH4, CH3COONH4, समझ है इवन म्यून ग्रुप। तो वाटर बाहर निकलेगा। एक बार फिर सुन लीजिए, स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस साल्ट न्यूट्रल, स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग वीक बेस तो साल्ट एसिडिक, वीक एसिड और स्ट्रांग बेस तो इफेक्ट, जब स्ट्रांग बेस तो इफेक्ट बेस का होगा तो बेसिक, अगर वीक एसिड और वीक बेस तो उस टाइम या एसिडिक या बेसिक। जिगर में समझ आए इवन, शाबाश। ये समझ आया सबको क्लासिफिकेशन? अब याद रखिएगा जिगर में, अब अगर हमने डिजॉल्व किया, अगर हमने डिजॉल्व किया किसको, साल्ट सब स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस अगर हमने डिजॉल्व किया किस में, अगर हमने स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस का साल्ट डिजॉल्व किया ना आप वाटर में, साल्ट डिजॉल्व होता है, वो जो सॉल्यूशन बनेगा ना वो न्यूट्रल होगा। क्या होगा? न्यूट्रल। समझ है उनमें उनको पर? और न्यूट्रल का पीएच जो है, पीएच इसका जो होता है ये बराबर होता है 7, पीएच हम बाद में पढ़ेंगे। और म्यून गोबर अगर स्ट्रांग एसिड और वीक बेस डिजॉल्व करेंगे वाटर में, सॉल्यूशन क्या बनेगा? एसिडिक, तो पीएच होगा लेस देन 7, पीएच लेस देन 7 होगा। अगर वीक एसिड और स्ट्रांग बेस डिजॉल्व करेंगे वाटर में, जो सॉल्यूशन बनेगा, मतलब अगर बेसिक साल्ट, तो पीएच इसका ग्रेटर देन 7 होगा। एक बार फिर सुन लीजिएगा, साल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड एंड वीक बेस आर डिजॉल्वड इन वाटर फॉर्म्स एन एसिडिक सॉल्यूशन। समझ है उनमें उनको पर? अगर स्ट्रांग एसिड तो स्ट्रांग बेस करो डिजॉल्व, ये बनाए स्ट्रांग एसिड तो वीक बेस करो डिजॉल्व आपस में, ये बनाए एसिडिक सॉल्यूशन। समझ है उनमें उनको पर? तो पीएच आपको याद रखना है, जो न्यूट्रल पीएच है 7, अगर एसिडिक का पीएच होता है पीएच लेस देन 7, बेसिक का होता है पीएच ग्रेटर देन 7। समझ है उनमें उनको पर? तो दिस वॉज अबाउट दिस पॉइंट। इसके बाद फैमिलीज की बात करते हैं। अगर हम साल्ट को क्लासीफाई करते हैं, हम बोलते हैं सल्फेट साल्ट, सल्फेट साल्ट। फॉर एग्जाम्पल Na2SO4, जिसके पीछे SO4 आ जाएगा उनको बोलते हैं सल्फेट साल्ट। फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट, समझ है उनमें उनको पर? सल्फेट साल्ट गई हम। अगर क्लोराइड साल्ट की बात करेंगे, क्लोराइड साल्ट की, क्लोराइड साल्ट में NaCl MgCl2, समझ है उनमें उनको पर? क्या मैंने कहा? साल्ट की अगर क्लासिफिकेशन करें, सल्फेट साल्ट होते हैं क्लोराइड साल्ट, सल्फेट साल्ट में क्या होता है? Na2SO4 CuSO4, जिसके पीछे SO4 आयन होगा, क्लोराइड में Cl-2, समझ है उनमें उनको पर? समझ है उनमें? या
सोडियम साल्ट्स होते हैं, सोडियम साल्ट्स, NaCl सोडियम साल्ट है, समझे उनको, Na2SO4 सोडियम साल्ट भी है, ये सल्फेट साल्ट भी है सोडियम, और ये वाला साल्ट भी है, समझे उनको। इसी तरह कार्बोनेट साल्ट्स है, वो डिपेंड करता है इनमें कौन सा आयन प्रेजेंट है। तो दिस वाज ऑल अबाउट साल्ट्स। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।